चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए और कई अहम एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि बैठक में कुल 31 एजेंडे रखे गए थे। सीएम ने बताया कि सरकार स्टार्टअप नीति लेकर आ रही है, साथ ही सरकार अच्छे स्टार्टअप को प्रोत्साहन देगी तो वहीं ई व्हीकल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सीएम ने बताया कि बुढ़ापा पेंशन को पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा। सीसीएल के लिए पहले बच्चों की आयु लिमिट 18 साल थी, दिव्यांग के केस में उम्र लिमिट को हटा दिया गया है। सीएम ने बताया कि झज्जर के बैरी में माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का श्राइन बोर्ड बनेगा। एक एजेंडा जिसके अंदर महिलाओं को सीसीएल की एक जो सुविधा दी जाती है, 2 साल की सीसीएल उनको मिलती है, उसमें जिन बच्चों के जो 2 बड़े बच्चे होते हैं उन्हीं की 18 वर्ष की आयु तक उनकी देखरेख के लिए वो ले सकती हैं। लेकिन उसमें एक संशोधन किया है कि अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसमें आयु लिमिट हटा दी गई है कि उसके बाद भी उसका उपयोग वो कर सकते हैं। इसी प्रकार एक दूसरा संशोधन है कि मान लो पिता रह गए अकेले, सिंगल फादर, इसी कारण से पत्नी की मृत्यु हुई तो पति रह गए, फिर वो जितनी बची हुई लीव है वो पिता भी उसको एंजॉय कर सकते हैं। अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज, चाहे वो नगर पालिका के अंदर हैं चाहे नगर पालिका की सीमा के बाहर हैं, इनको ऑथराइज करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज ने नगर पालिका क्षेत्र का तो एक्ट पिछले विधानसभा सत्र में बना दिया था, लेकिन बहुत सी कॉलोनीज ऐसी हैं जो नगर पालिका क्षेत्र से बाहर है, नगर निगम क्षेत्र से बाहर बनी है। ये भी लगभग 2000 कॉलोनीज हैं, लेकिन अभी उसमें से 600 के आसपास रजिस्ट्रेशन लोगों ने कर दिया है। उसके भी एक्ट की आवश्यकता है, तो उसके एक्ट को लाने के लिए आज कैबिनेट ने वो एजेंडा पारित किया है ताकि अगले आने वाले सत्र में उसका एक्ट बनाया जाए और ये जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं इनको जो शर्तें पूरी करेंगे उन शर्तों को पूरी करने के बाद उनको भी ऑथराइज कर दिया जाए डेवलपमेंट चार्जेस लेकर के। वृद्धावस्था पेंशन, जैसा 60 साल के बाद वृद्धावस्था सम्मान भत्ता जो मिलता है उसका प्रोसीजर वो हमने बहुत सरल कर दिया है। उसको आज कैबिनेट ने पारित किया है कि अब किसी को अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बल्कि परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत जिसकी 60 साल आयु हो गई है और उसकी आय भी जो है वो विद इन लिमिट्स है, जो लिमिट 2 लाख की बनाई हुई है वो है, और उसका जो डाटा है वो सब परिवार पहचान पत्र की ओर से, क्रिड की ओर से और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने जस्ट एक कंसेंट फार्म वो साइन कराना है और कंसेंट फार्म साइन कराते ही और उसकी ओल्ड एज पेंशन शुरू हो जाएगी। अब किसी को ओल्ड एज पेंशन बनवाने के लिए फार्म भर करके और दफ्तरों के चक्कर काटना, इधर जाना उधर जाना, 10 प्रकार की वेरिफिकेशन कराना, वो सब खत्म कर दिया है। इसलिए एक ओल्ड एज ये जो पेंशन है इसकी व्यवस्था को ये हमने सरल कर दिया। स्टार्टअप नीति, देश भर में स्टार्टअप्स की जब से घोषणा हुई है हर प्रदेश स्टार्टअप्स के लिए अपनी नीति लेकर के आ रहे हैं, हम भी स्टार्टअप्स की नीति को लेकर के आए हैं। अभी इससे पहले जो स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन और सहायता दी गई है उसमें भी हरियाणा पीछे नहीं है। दुनिया भर में स्टार्टअप्स का जो एक विषय शुरू हुआ है, देश भारतवर्ष वर्ल्ड वाइड अगर हिसाब लगाएं तो हम 3rd place पर हैं एज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स पर कंसर्न, और उसमें भी हरियाणा बड़े अग्रणी स्थान पर है। कुल 60,000 स्टार्टअप्स में से 5,000 स्टार्टअप्स केवल हरियाणा के हैं। मुझे लगता है कि एज पर पॉपुलेशन 2% में अगर 60,000 का 2% देखें तो वो 1200 बनता है, लेकिन हम उसमें भी लगभग 9% 10% को अचीव करने वाले हैं। तो ये संख्या हरियाणा की बड़ी संख्या है। इसमें कई प्रकार की उनकी सुविधाएं दी जाती हैं, पूंजी का उनको अनुदान दिया जाता है। एक पॉलिसी बहुत समय से तैयारी जिसकी चल रही थी वो है ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी है वो भी आज समय की एक मांग है कि प्रदूषण जितना फैलता है वाहनों में, डीजल की पेट्रोल की जो खपत होती है उसकी बजाय इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ये बड़ी संख्या में उत्पादन भी इसका होना चाहिए, बड़ी संख्या में यूज़र भी इसके आने चाहिए, तो सबके लिए। और इसको हमने एक फिजिबल बनाया है। एक विषय बेरी जिला झज्जर, वहाँ श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर एक आश्रम है, इसका कई वर्षों से बीच बीच में विषय आता रहा कि उसको
टेक ओवर करें, कोई कमेटी बनाएं, जैसा भी करें, लेकिन अब वो अल्टीमेटली एक कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, जो भी डिसीजन लेना है, ताकि लोगों को पता लग जाए। उसमें आज डिसीजन लिया कि उसको टेक ओवर करेंगे, जैसे श्राइन बोर्ड बाकी कुछ और स्थानों के बने हैं, शीतला माता मंदिर गुरुग्राम है, मनसा देवी पंचकुला है, इसी प्रकार से श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर का एक श्राइन बोर्ड बनेगा और उसको टेक ओवर करने का निर्णय ये भी। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई फैसले लिए गए। बुढ़ापा पेंशन व्यवस्था को सरल किया गया, पीपीपी योजना के तहत बनेगी पेंशन, ये फैसले लिए गए हैं हरियाणा कैबिनेट की बैठक में। स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी गई, हरियाणा कैबिनेट ने स्टार्टअप पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। अच्छा स्टार्टअप लाने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। गुरुग्राम में डाटा सेंटर स्थापित होंगे, ये फैसला लिया गया है हरियाणा कैबिनेट की बैठक में। माता भुवनेश्वरी देवी मंदिर का श्राइन बोर्ड बनेगा। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए कानून बनाया जाएगा। ई व्हीकल पॉलिसी के तहत खरीदारों को छूट मिलेगी। हरियाणा में इंडस्ट्री लगाने वालों को सुविधाएं देगी सरकार। बिजली पर हरियाणा ने नया एग्रीमेंट किया है, यह भी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने दी। पंचकुला में पिछले साल कम किए गए रेट अगले आदेश तक लागू रहेंगे। 2000 में से 600 अवैध कॉलोनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है।